नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूँ अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। साजिश की बलि चढ़े मजदूर के पीड़ित परिवार ने की जितेंद्र ठाकरे को सजाए मौत की मांग। गांव को नशा मुक्त बनाने महिलाओं ने बनाया महिला कमांडो ग्रुप। कोतवाली पुलिस ने पकड़े दो मोटरसाइकिल चोर। पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास की सजा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों को बारिश के बाद होगा आवंटन। और अब खबरें विस्तार से। लालबर्रा थाना क्षेत्र के कंजई घाटी में शिक्षक द्वारा सुनियोजित तरीके से किए गए हत्याकांड की जिले भर में निंदा की जा रही है। वहीं पीड़ित परिवार इस हत्याकांड से बेहद सदमे में है। पीड़ित परिवार द्वारा आरोपी शिक्षक जितेंद्र ठाकरे को कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि मृतक दिलीप सोनवानी वार्ड नंबर 2 भरवेली निवासी है। यह चार भाइयों में सबसे बड़ा था। घटना की जानकारी लगने पर पीड़ित परिवार से मिलने समाज सेवी अनिल बिसेन और ग्राम पंचायत हीरापुर के सरपंच पवन मरकाम पहुंचे, जिन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। मृतक की पत्नी धनेश्वरी सोनवाने और छोटे भाई राजेश्वर ने हत्यारे शिक्षक को कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबके बीच में रहने वाला आदमी है। उसका उसका खाने का था सबके अच्छा। ये दिलीप जी के बारे में कब जानकारी लगी थी आपको? हमको कल पता चला। हमको कल? हाँ। तो कब ये कब निकले थे काम पे? एक काम पर शनिवार के निकले थे। निकले थे? हाँ। ये हर दिन जाते थे क्या? हर दिन जाते थे, वो काम में जैसा जाता था वैसा जाता था, जब शाम को आ जाता था काम करके, लेकिन उस दिन लौटा नहीं काम से। तो रिपोर्ट पर दर्ज कराए थे आप लोगों ने? हाँ पूरा किया कर यही थाने में दर्ज कराया था। हाँ थाने में किया था। तो फिर कल क्या जानकारी मिली? कल हमको उसका कपड़ा उपड़ा से सब, तो उसको मारा हो रहा है ना, वो पूरा बयान दिया उसने। तो क्या मांग करना चाहते हैं हम शासन प्रशासन? उसने पैसा खातिर मेरे आदमी को मारा है ना, उसको भी वही खातिर उसको मेरा उसका पैसा मारा है, तो मेरे को पैसा होना उसका और उसका जान होना मेरे को। जान मेरे पति को दिया है तो मेरा भी उसका भी जान मेरे को लेना है, उसको भी सजा देना है। अच्छा, घर के सबसे बड़े? बड़ा है भैया वो सब। और इसके बाद इनके पीछे भी छोटे हैं सभी? हाँ सब छोटा है उसके पीछे। तो सभी नौकरी करते हैं? नहीं करते, सब रोजी मजूरी वाला है। अच्छा, और माताजी और पिताजी? वो भी कुछ नहीं करते, अब ड्यूटी से बैठ गए हैं यार। रिटायरमेंट हो गए, कुछ नहीं है अब अपने पास। अब क्या नाम? रोज खाना कमाने वाला धनेश्वर। कल रात में 10:30 से 11 बजे रात को जानकारी। कैसी जानकारी लगी थी? कि फोन के द्वारा छोटे भाई ने फोन किया था, उसने बताया कि भैया का मर्डर हो गया। फिर भी क्या बताया उसने? मतलब तो आप घर आए यहाँ पे? फिर उसके बाद सुबह आया तो सुबह से उन लोग यहाँ नहीं है, वो तो वहीं गए। तो ऐसे एक शिक्षक ने उनकी हत्या कर दी है पैसे के लिए? बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी बात है। एक शिक्षक होकर के ऐसा नहीं करना चाहिए ना, शिक्षक ऐसा करेगा तो बच्चे कैसे करेंगे। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? उनको मांग कुछ नहीं करना है, मेरे भाई को बिना वजह का उसने मर्डर किया है तो मेरे को सजा दिलाना है उसको बस। वहीं समाज सेवी अनिल बिसेन ने कहा कि मानसिक रूप से दिवालिया होने के कारण आरोपी ने इस तरह का कार्य किया, आरोपी को फांसी की सजा हो यही शासन प्रशासन से मांग है। उनको मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि हमारे बरेली क्षेत्र के मजदूर युवक की हत्या लालबर्रा कंजई घाटी के आसपास में की गई है, तो उस पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए आज उनके घर में यहाँ आए हैं। और घटना की विस्तृत जानकारी देने से पता चला कि बहुत ही शर्मनाक घटना है, एक
बेगुनाह की सिर्फ पैसे के लालच में हत्या कर देना इस पूरे समाज पर कलंक का कार्य है। हम कानून से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजाए मौत मिलेगी। सर, वो एक शिक्षक है, शिक्षक ने ऐसा कृत्य किया, क्या लगता है क्या शिक्षक एक भविष्य बनाता है और ऐसा कृत्य करना? वो पेशे से शिक्षक हो सकते हैं, मानसिक रूप से वो दिवालिया थे और दिमागी शक्ति उनकी क्षीण हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है किसी भी सभ्य समाज के व्यक्ति को यह कार्य बिल्कुल शोभा नहीं देता, मनुष्य होने की प्रवृत्ति का यह कार्य नहीं है। सर, क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग कानून से यही है कि प्रशासन उसके कड़ी से कड़ी सजा के लिए अपना कार्य करे और उस शिक्षक को भी फांसी की सजा। और पीड़ित परिवार के लिए? पीड़ित परिवार के लिए देखते हैं शासन की कौन कौन सी योजनाओं में इनको लाभ दिलाया जा सकता है। यदि उस पीड़ित परिवार का प्रधानमंत्री जन जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा बीमा होगा तो उसका लाभ और संबल कार्ड। रमजान के पावन माह के उपलक्ष में नगर के बूढ़ी स्थित साबरी मस्जिद में रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर रोजा अफ्तार किया। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि लोगों की खुशहाली और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने की मंशा से उनके द्वारा हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। रमजान के पावन माह के उपलक्ष में प्रतिवर्ष अनुसार साबरी मस्जिद में रोजा अफ्तार का कार्यक्रम रखा गया है। सभी लोगों की खुशहाली के लिए, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, सामाजिक सद्भावना बनाए रखने के लिए और सभी के स्वस्थ एवं संपन्न रहने की कामना करते हुए आज हमारे द्वारा रोजा अफ्तार का कार्यक्रम किया गया। इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सभी के बहुत बहुत। बिरसा जनपद का एक छोटा सा गांव मुड़खुसरी, जहां की महिलाओं ने गांव को नशा और अपराध मुक्त बनाने कमर कस ली है। पिछले लगभग एक माह से चल रहा ये अभियान सफल होता नजर आ रहा है। महिलाओं ने इसे महिला कमांडो नाम दिया है। लगभग 100 महिलाओं का दल सुबह शाम हाथ में डंडे लेकर चलता है। इस गांव में शराब का कोई सरकारी ठेका तो नहीं है, लेकिन गांव के कुछ ही लोग चोरी छुपे कच्ची शराब बनाने और बेचने का काम करते हैं। इसके अलावा यहां नजदीक के शराब ठेकों में लाकर अवैध रूप से शराब भी बेची जाती है। शराब पीने से होने वाले नुकसान से सभी परिचित हैं। लड़ाई झगड़े से घर में क्लेश और तनाव का वातावरण निर्मित होता है। शराबियों की प्रताड़ना का सबसे अधिक शिकार घर की महिलाएं ही होती हैं और इसका असर भावी पीढ़ी पर भी पड़ता है। शराब को अपराध की जननी भी कहा जाता है। ग्राम मुड़खुसरी ग्राम पंचायत बिछली के अंतर्गत आता है, जिसकी जनसंख्या 900 के करीब है। यहाँ के कुछ ग्रामीण भी महिला कमांडो के प्रयास की तारीफ और समर्थन करते हैं। ग्राम सरपंच रूपलाल सयाम, ग्रामीण अजय राणा और योगेश राहंगडाले नशा मुक्ति अभियान के समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि उनका गांव इस कुरीति से मुक्त हो जाए। और हम लोगों ने गांव में एक नशा मुक्ति अभियान चलाए हैं, इसलिए क्योंकि महिलाओं को सामने लाए हैं और घर घर में जो शराब बना रहे थे और हमारे आने वाले पीढ़ी जो पी रहे थे, पी के आकर के अपने माँ बाप को मारना, चोरी करना, टीवी फोड़ना, कई प्रकार के जो कर रहे थे, वो उसको हमने बंद कराए हैं। और महिलाओं को हम लोग सुबह शाम घर घर भिजवाते हैं और हम सोच रहे हैं कि गांव में इस प्रकार से झगड़ा लड़ाई मार पिटाई नहीं होना चाहिए, हमारे गांव सुधरे,
गांव सुधरने के बाद हमारे देश सुधरे और नशा मुक्ति से मुक्त हो जाए हम लोग। इस प्रकार से हम लोग इस ग्राम में, ग्राम मुंगुचरी में हम लोगों ने इस योजना को बनाए हैं और महिलाओं ने जो कर रहे हैं उनके हम लोग सराहना करते हैं और उनको हम साथ भी देते हैं। मेरे गांव में महिलाओं द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है, इसमें हमारा भरपूर सहयोग है और महिलाओं को हमने इसके लिए प्रेरित किया है, जागृत किया है और महिलाओं को हमारे द्वारा ये प्रेरणा दी गई है कि भाई आपके घरों में जब आपके पति या आपका बच्चा या आपका भाई जब नशा करके आता है तो आप और आपका पूरा समाज नशा के कारण पीड़ित होते हैं और पैसा भी जाता है, इज्जत भी जाता है और विभिन्न प्रकार के नुकसान होते हैं, तो ये सब नशा से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से उनको प्रेरणा दिया और उनको समझाइश दी कि आप जब सब महिलाएं एक साथ सम्मिलित होकर ऐसा काम कुछ कर पाएंगे जिससे आपके यहाँ और आपके गांव में और आपको देखकर पूरा समाज, देश इस प्रकार से सभी का। शराबियों के घर में आए दिन होने वाले उत्पात से निजात दिलाने महिला कमांडो की सदस्य बताती है कि कैसे शराब से घरों की बर्बादी हो रही है। आए दिन झगड़े, तोड़फोड़, बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। शराब पीने के बाद जुए की फड़ जमती है। शराब एक सामाजिक बुराई है जिसे पूरी तरह से खत्म करने की इन्होंने ठान ली है। नशा मुक्ति अभियान के तहत हमारे गांव में बहुत शराब पीते हैं बाल बच्चे, हमारी तो ऐसी बीत गई, लेकिन आज की आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग कुछ कर सके, हमारे बाल बच्चे के सुधार हो सके। जगह जगहों पे बैठ के शराब पीते हैं, ताश पत्ती खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ये सभी प्रकार का हमारे गांव में होते रहता है। बाल बच्चे को बताओ मानते नहीं है, इसीलिए हम लोग यह अभियान चालू किए हैं। हम यह अभियान चालू करके हमारे गांव को समृद्ध, विकासशील, विकसित ग्राम बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग इस अभियान को लेके हम शाम सुबह घूमते हैं। किसी के घर दारू ना बने, किसी के घर कुछ ना हो, झगड़ा ना हो, किसी के घर टीवी फोड़ देते हैं, किसी के घर मारते हैं, किसी के घर पीटते हैं, बाल बच्चे यथावत रह नहीं पाते, उन्हीं को देख के बाल बच्चे, माँ बाप को देख के बाल बच्चे ऐसी शिक्षा पाके वो भी दारू पानी पीते हैं और जगह जगह बैठ के जुआ पानी खेलते रहते हैं। हम इसी अभियान को लेके हम अपने इस गांव में यह कार्य क्षेत्र को करने के लिए सब माता बहनें मिलके एकजुट होके दोनों टाइम हम अपने गांव में। हम लोग नशा मुक्ति करवाना चाहते हैं, नशा मुक्ति अभियान के लिए घूमते हैं। किसी घर में शराब नहीं बनना चाहिए कि कोई शराब नहीं पीना चाहिए, इसलिए घूमते हैं। कितने दिन से घूम रहे हैं? लगभग हमको लगभग एक महीना हो गया। कितने लोग हो? अब लोग तो पूरे 100 लोग हैं। नगर के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को पास्को एक्ट जागरूकता अभियान के तहत जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विद्यालय में पास्को एक्ट के प्रावधानों के प्रचार प्रसार, बच्चों को संरक्षित करने के प्रयोजनार्थ जागरूकता के निमित्त जिले के समस्त छात्रावास संचालकों को पास्को एक्ट 2012 एवं किशोर न्याय अधिनियम की विशेषताओं की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में जनजातीय कार्य विभाग सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा, लोक अभियोजन अधिकारी अखिल कुशराम, जिला बाल संरक्षण विभाग एवं महिला सशक्तिकरण विभाग से पहुंचे विशेषज्ञों ने यौन उत्पीड़न जैसे विभिन्न अपराधों को रोकने और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की सलाह दी। वहीं पास्को एक्ट की विभिन्न धाराओं और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही शासन स्तर पर नाबालिग बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से छात्रावास संचालकों को अवगत कराया। ना इसको पेपर में प्रकाशित किया जाता है, लेकिन बच्चे के बारे में जो भी जानकारी है, जो भी पीड़ित बच्चा है उसके बारे में किसी भी प्रकार की पेपरबाजी नहीं होती, प्रदर्शन नहीं होता, वो सब गुपचुप किया जाता है ताकि भविष्य में उस बच्चे का जो सोशल सामाजिक जो जीवन है वो सुरक्षित रहे, वो अपमानित महसूस ना करे। मान लो किसी ऐसी बालिका के साथ में गलत काम होता है और वो एक नया जीवन जीना चाहती है समाज के द्वारा, तो यदि पेपरबाजी में उसका प्रकाशन हो जाता है या लोग उसको पहचानने लगते हैं तो ये उसके भविष्य के लिए बड़ी अपमानजनक चीजें होंगी।
इस संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जनजातीय कार्य विभाग सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा ने बताया कि जिले में विभाग द्वारा लगभग 150 छात्रावास संचालित हैं। कलेक्टर के आदेश अनुसार छात्रावास के संचालकों को पास्को एक्ट की जानकारियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ जिस प्रकार का अपराध हो रहा है उसके संबंध में उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यशाला में जिला अभियोजन अधिकारी, महिला सशक्तिकरण अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड चेयरमैन और सभी विषयों से संबंधित विशेषज्ञ आए हुए हैं। आज जो कार्यशाला जो लगाई गई, क्या मकसद को लेकर लगाई गई है? ये कार्यशाला पास्को एक्ट के अंतर्गत लगी है और चूँकि विभाग द्वारा यहाँ लगभग 150 छात्रावास संचालित हैं जिसमें बच्चे रहते हैं, तो बच्चों के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध हो या बच्चों के विरुद्ध कोई ऐसा काम जो कि गलत है, तो इस संबंध में जागरूकता रहे और ऐसी कोई घटना घटित ना हो, इस संबंध में जागरूक करने के लिए सभी छात्रावास अधीक्षकों की कार्यशाला शासन के निर्देशानुसार आयोजित की गई है, जिसमें जिला लोक अभियोजक अधिकारी को और महिला सशक्तिकरण अधिकारी को, किशोर न्यायालय बोर्ड के चेयरमैन को, इस तरह सभी विषय विशेषज्ञों को बुलाया गया है जिससे कि ये जानकारी प्रदान कर सकें कि एक्ट में क्या प्रावधान है और अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसमें सजा का क्या प्रावधान है। जिले के सभी ग्राम पंचायत जिनमें किसी भी शासकीय योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्य पूर्ण नहीं किए गए हैं, ऐसे ग्राम पंचायतों की जांच प्रारंभ कर दी गई है और किन्हीं भी ग्राम पंचायतों में कार्य होने या आगामी 3 माह में कार्य पूर्ण नहीं कराए जाने पर सरपंच को अगला सरपंच चुनाव लड़ने के लिए NOC प्रदान नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने पूर्व में हुई TL की बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी योजना में कराए जा रहे निर्माण कार्यों को 3 माह के भीतर पूर्ण करवाएं। यदि सरपंच द्वारा 3 माह के भीतर अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं कराया जाएगा तो ऐसे सरपंच और उनके परिजनों को आगामी पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए शासकीय तौर पर NOC नहीं दी जाएगी। इस संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री PC शर्मा ने बताया कि जिले की समस्त ग्राम पंचायतों का परीक्षण कराया जा रहा है जिसमें किसी भी योजना अंतर्गत चल रहे अधूरे कार्य को आगामी 3 माहों में पूरा नहीं कराए जाने पर ऐसी पंचायतों का आकलन कर सरपंचों को उनके पद से पृथक करने और चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। सर, TL की बैठक में एक निर्देश दिए थे कलेक्टर साहब ने कि जो सरपंचों ने जो अपने अधूरे कार्य किए हैं उनको पूरा करने के निर्देश दिए, अगर ऐसे में अगर नहीं कर पाते 3 माह के अंदर तो उनको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सर, ऐसे कितने सरपंच हैं? इसका हम पूरा परीक्षण कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में ऐसे सरपंच है जिनके काम अभी चल रहे हैं विभिन्न योजनाओं में, और जितने भी योजना में जो काम नहीं कराए गए हैं कलेक्टर साहब के निर्देश हैं कि वो 3 महीने में अगर काम नहीं कराते हैं तो उनको हम जो है पद से पृथक करने की भी कार्रवाई करेंगे और आगामी चुनाव में उनको अयोग्य भी ठहराया जाएगा, उनको किसी प्रकार का NOC जारी नहीं किया जाएगा। तो हम इन तथ्यों का परीक्षण कर रहे हैं कि कितने सरपंच हैं जिनके काम अधूरे हैं। सर, फिर भी लगभग क्या क्या काम अभी तक रुके हुए आपने? नहीं, कई योजनाएँ चल रही हैं यहाँ पर, सभी योजनाओं में कई काफ़ी काम है, उनका एक आकलन कर रहे हैं अभी, तो उसका आकलन करने के बाद में हम स्थिति पूरी स्पष्ट कर पाएंगे। विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजाराम भारतीय की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के आरोप में आरोपी पति जितेंद्र बुंदेले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विद्वान अदालत ने इस मामले में आरोपी जितेंद्र के पिता हरिचंद्र, माँ हीरूबाई, भाई महेंद्र बुंदेले और विजय बुंदेले को दोषमुक्त कर दिया है। इन आरोपियों के विरुद्ध जितेंद्र की पत्नी गोदावरी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप था। जितेंद्र ग्राम मोहगांव थाना लालबर्रा निवासी है। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नेत्रा में स्थित पूर्व जनपद अध्यक्ष डुलेंद्र ठाकरे के मछली बीज उत्पादन केंद्र का 28 मई को प्रातः 9 बजे संभागीय कमिश्नर राजेश बहुगुणा के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर पूर्व जनपद अध्यक्ष डुलेंद्र ठाकरे और मछली फार्म संचालक ओम प्रकाश ठाकरे के द्वारा कमिश्नर श्री बहुगुणा का अभिनंदन किया गया, जिसके बाद श्री बहुगुणा ने मछली पालन का जायजा लिया। इसके बाद मंगेशियस रूपचंद, रोहू, कतला व मृगल प्रजाति की मछली के बीज बनने की प्रक्रिया की जानकारी दी।
जानकारी देते हुए फार्म संचालक ओम प्रकाश ठाकरे ने बताया कि गत वर्ष 2018-19 में 21 करोड़ मछली बीज का उत्पादन किया गया है और गत वर्ष मछली का उत्पादन भी अच्छा हुआ है। मछली बीज उत्पादन केंद्र से मछली बीज की सप्लाई बालाघाट, सिवनी, मंडला और भंडारा सहित अन्य जिलों में की जाती है। इस दौरान कमिश्नर श्री बहुगुणा ने आगामी बारिश के मौसम में मत्स्य कृषकों के लिए तैयार बीजों की समीक्षा की, साथ ही बीज उत्पादन हेतु तालाब में मौजूद बड़ी मछलियों का निरीक्षण किया गया। कमिश्नर श्री बहुगुणा ने मौके पर मौजूद क्षेत्रीय कृषकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे भी छोटी यूनिट डालकर कार्य प्रारंभ करें और कृषि की आमदनी को दुगना करने का प्रयास किए। प्लेस ऑफ कर सर बड़े भैया से मिलना भैया ने काम करा डाला आठ महीने में कितना आपका डेढ़ के जी आ जाता है? मेरे पास आठ महीने शिफ्ट करने के बाद पहली बार 100 क्विंटल खाता है, वैसे ये भी खाता नहीं है। प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका कार्य नगर में तेजी से जारी है। आवास निर्माण का अधिकांश कार्य हो गया है। बारिश के बाद आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा 1200 पक्के आवास बनाए जा रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण होने का लोगों द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसके संबंध में जानकारी देते हुए नगर पालिका के उपयंत्री सुरेंद्र राहंगडाले ने बताया कि आवास निर्माण का कार्य तीव्रता से जारी है, बारिश के बाद संभवतः आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। देखो, उसमें जो दो योजना है BLC के तहत, वो तो सीधे हम हितग्राहियों के खाते में पैसे आ रहे हैं। अब जो भटेरा पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें, तो उन प्रोजेक्ट में हमारा सभी काम, हमारे चार मंजिल के काम है और अधिकतर बिल्डिंगों में हम चौथी मंजिल की स्लैब डालने की स्थिति में, उसके बाद में फिर हम जुड़ाई और प्लास्टर और फिनिशिंग का काम करेंगे। मुझे लगता है बारिश के बाद में आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सर कितना समय लगेगा फिर क्या करेंगे? LIG और MIG तो हम रेरा की परमिशन के बाद में उसके विज्ञापन का काम करके आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे और जो EWS है वो भी लगभग हमारे लगभग सबकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए हैं, उसमें फिनिशिंग का काम और अंदर जो सिविल वर्क है, जुड़ाई प्लास्टर इत्यादि, उसका काम हमारा बारिश के दौरान चालू हो जाएगा। सर ये कहा जा सकता है कि दीपावली में इस बार लोगों को तोहफा मिलेगा? हाँ, आवंटन तो हो जाएगा, उसको पता तो चल जाएगा कि इस बिल्डिंग में मेरा मकान कौन सा है। किरनापुर अंतर्गत आने वाले ग्राम सुसवा के निवासी छैयालाल बाहे की बाथरूम में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक छैयालाल 28 मई की शाम को गांव के मुंशी प्रसाद के यहां से आया और बाथरूम गया, जहां वह गिरकर अचेत हो गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस ने जबलपुर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो चोर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की एक हॉर्नेट मोटरसाइकिल जब्त की गई है। दोनों चोर अनूप जहरवाल गड़ा जबलपुर निवासी और मनीष रायजादा पोस्टल कॉलोनी विजयनगर जबलपुर निवासी हैं। अनूप उपाध्याय को यहां की अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जबकि मनीष रायजादा को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। पुलिस लाइन में पदस्थ एक आरक्षक ने बैहर रोड में एक महिला के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ कर उसे अपशब्दों का प्रयोग कर मारपीट कर दिया। 25 वर्षीय इस महिला द्वारा की गई रिपोर्ट पर आरक्षक आकाश राठौर उर्फ आशु के विरुद्ध मामला कायम कर लिया गया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
साजिश की बलि चढ़े मजदूर के पीड़ित परिवार ने की जितेंद्र ठाकरे को सजाए मौत की मांग। गांव को नशा मुक्त बनाने महिलाओं ने बनाया महिला कमांडो ग्रुप। कोतवाली पुलिस ने पकड़े दो मोटरसाइकिल चोर। पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास की सजा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों को बारिश के बाद होगा आवंटन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।